प्रदेश की जयराम सरकार जहां ग्रामीण व शहरी इलाकों तक पानी के लिए स्वच्छ पानी उपलब्ध करवाने का दावा करती है, तो वहीं इन दावों को धरातल पर उतारने के लिए सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग विभिन्न स्कीम्स के तहत पानी के टैंकों का निर्माण करता है, मगर वहीं अब विभाग की एक बड़ी लापरवाही का मामला सामने आया है। नैना देवी से कांग्रेस विधायक व पूर्व मंत्री रामलाल ठाकुर ने अपने हल्के में स्थित सिकरो पंचायत के पंजेली गांव में आईपीएच स्कीम के तहत बने पानी के टैंक पर छत न होने के चलते टैंक में मरा हुआ खरगोश मिलने की बात कही है। प्रदेश की जयराम सरकार जहां ग्रामीणों व शहरी इलाकों तक पीने के लिए स्वच्छ पानी उपलब्ध करवाने का दावा करती है, तो वहीं इन दावों को धरातल पर उतारने के लिए सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग विभिन्न स्कीमों के तहत पानी के टैंकों का निर्माण करता है, मगर वहीं अब विभाग की एक बड़ी लापरवाही का मामला सामने आया है। जी हाँ, नैना देवी से कांग्रेस विधायक व पूर्व मंत्री रामलाल ठाकुर ने अपने हल्के में स्थित सिकरोहा पंचायत के पंचहेली गांव में आईपीएच स्कीम के तहत बने पानी के टैंक पर छत न होने के चलते टैंक में मरा हुआ खरगोश मिलने की बात कही। पानी के टैंक का एक वीडियो शेयर करते हुए रामलाल ठाकुर ने इस लापरवाही से पूरी पंचायत में महामारी फैलने की आशंका जताई है। वहीं आगामी विधानसभा सत्र के दौरान रामलाल ठाकुर ने इस मुद्दे को सदन में उठाने का दावा करते हुए प्रदेश सरकार द्वारा इस तरह की लापरवाही के खिलाफ कड़ा संज्ञान लेने और अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। वहीं रामलाल ठाकुर का कहना है कि इससे पूर्व भी भाखड़ा पंचायत में पीने के पानी के टैंक पर छत न होने के चलते एक मरा हुआ बंदर और कौवा मिल चुका है, जिसके बाद ये मुद्दा उनके द्वारा उठाया गया था। आईपीएच मंत्री द्वारा सभी पानी के टैंकों पर छत लगाने के आदेश भी दिए गए थे, बावजूद इसके आईपीएच विभाग बिलासपुर के अधिकारियों की नींद नहीं खुली और पीने के पानी की स्कीम के तहत बनाए गए टैंक के ऊपर छत न होने के चलते एक मरे हुए खरगोश के मिलने का मामला सामने आया है। जो है वो खरगोश जो है सड़ा हुआ खरगोश पाया गया, लोगों ने उसकी रिपोर्ट तैयार करके दी है। इस मसले को मैं विधानसभा में भी उठाऊंगा, लेकिन अगर मान लो जो आईपीएच की जो स्कीमें बनी है उनमें अगर छत ना लगे और अंदर जानवर मर जाए तो सड़ने के बाद और अदरवाइज भी अगर देखा जाए तो कोई भी महामारी फैल सकती है, इसलिए सरकार को चाहिए कि तुरंत उसके ऊपर जो है वो कोई ना कोई कार्रवाई करे। मेरे यहाँ पे हल्के के अंदर बीबीएमबी से हमने 60,000 गैलन पानी जो है वो भाखड़ा पंचायत के लिए लिया था और बीबीएमबी के चेयरमैन का धन्यवाद कि उन्होंने वो स्कीम बनाई, 60,000 गैलन पानी हिमाचल प्रदेश को भाखड़ा को दिया। वहाँ पे मैं जो मौके पे गया था तो लोगों ने मुझे बताया कि जो टैंक बना है वो बिल्कुल नंगा है, उसके ऊपर जो है वो कोई जो है वो ऊपर छत नहीं पड़ा है। उस टैंक में एक बंदर मरा था और एक कौवा मरा था, जो लोगों ने मुझे भाखड़ा मंदिर के पास जो है वो बताया था। मैंने ये इशू उठाया था, आदेश हुए थे मंत्री द्वारा कि जहाँ जहाँ पर भी जो भी पीने के पानी की स्कीमें हैं जिनके ऊपर जो टैंक बने हैं उनके ऊपर जो उसका छत पड़ना था वो तुरंत जो है वो लगा दिए जाएंगे। लेकिन आज की तारीख में मैं ठाकुर साहब से ये कहना चाहूँगा, कृपया करके विभाग को देखें, गर्मियाँ आ गई, कोई भी महामारी फैल सकती है, चाहे